वाह भैया, भाभी लोग जो है पूरा गाना एंजॉय कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। देखिए तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप मेरी तरह बढ़िया होंगे। अरे आवाज से आपको पता लग गया होगा कुछ ज्यादा ही बढ़िया है लोग, लेकिन हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए हम अभी दो तीन दिन से वीडियो डाल नहीं पा रहे थे। तो आज हमारे साथ भैया नए लोग हैं, देखिए अनूप दादाजी हैं, इनका अनूप ज्वेलर्स जो है बम्मनपुर में शॉप है। तो आज हमारे साथ भैया ही जा रहे हैं, साथ में उनकी फैमिली भी है, हमारी फैमिली भी है। तो हेलो करो सब लोग। तो हम लोग जा रहे हैं भैया ससुराल, अरे फिर से ससुराल। ये ससुराल भैया हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे साले साहब की बिटिया है, उनका मुंडन है, उनका इनविटेशन आया था, वो 4 तारीख को मुंडन, लेकिन हम लोग आज क्यों जा रहे हैं, आज 3 तारीख है। तो आज इसलिए जा रहे हैं, भैया ने हमको फोन कर दिया कि भैया आप हमारे साथ चलो यार। तो आज हम इनके बात जो है मतलब काट नहीं पाए, इसलिए साथ में चले आए। तो इनकी फैमिली भी साथ में, देखिए भाभी जी हमारी बैठी हैं पीछे, तो इनकी बिटिया है देखिए पीछे सौम्या, और अब पीछे आशी बैठी है, देखो हेलो कर रही है, और आर्यन जी भी कहीं छुपे बैठे हैं देखो। ये देखिए हमारी मिष्टी भी साथ में है, हमारे दोनों बच्चे पहले जा चुके हैं, आज सुबह इनकी एक गाड़ी गई थी उसमें हमने भेज दिया था, लेकिन अब भैया के साथ हम जा रहे हैं। तो अब 2-3 दिन बहुत कर रहा है जो है वहाँ पे, हम लोग हंगामा करने वाला है, एंजॉय करने वाले हैं। तो दोनों तीन दिन लगातार वीडियो दिखाएंगे, हो सकता है हम कतनिया घाट भी जाएं, कतनिया घाट ओपन हो चुका है, तो वहीं पे आप जाकर आपको वीडियो दिखाएंगे, लगातार आप लोग वीडियो बने रहे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम लोग लगातार जो सफर कर रहे हैं उसको दिखाते रहेंगे आपको। मैं भैया जो हमारी ससुराल में प्रोग्राम है कल, लेकिन आज जाने का मतलब क्या है, 3 तारीख को होती है मासिक बंदी मार्केट की बम्मनपुर में, तो भैया को समय मिल गया था, फिर भैया बोले कि चलो यार बंदी है आज हमारे साथ चलो आप। तो हम इनके साथ भैया के साथ आए हैं आज। आज हम लोग अभी पहुंच चुके हैं निघासन। तो भैया सबसे पूछते हैं कुछ खाना पीना तो नहीं आप लोगों को? नहीं। अरे नहीं, बिल्कुल सही बात, बच गए पैसे वरना खर्च रहते हैं। बैठक में रोक रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो हम लोग बैठक के पास पहुँचे हैं, देखिए ये देखिए अपनों की बैठक दिख रही होगी शायद, ये देखिए निकल गई अपनों की बैठक। तो यार ये देखो सिवाय हैं, भैया बैठे हैं बीच में, देखो ये अपनी मम्मी के साथ नहीं गए, पापा के साथ नहीं गए, ताऊ से साथ जा रहे हैं आज। तो अभी ये बता रहे थे कि हम बच्चे नहीं रह गए, हम तो शादी लायक हो गए। तो बताओ भैया कैसे शादी लायक हो गए बताओ? अरे बताइए जल्दी से बताइए। बताओ भाई कहाँ शादी करोगे यार? नहीं पता, मम्मी ब्याह करेंगी। तो मम्मी ब्याह करेंगी इनका, ये शादी नहीं करेंगे ये ब्याह करेंगे। A few moments later. क्या सफर का मजा आ रहा है यार, बढ़िया मध्यम मध्यम आवाज में गाने, और भैया लोग साथ में, भाभी लोग देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं। तो मैडम पीछे छुपके बैठी हैं, कुछ आप भी गाइए जी। तो देखिए आपका भाई कुछ दुबला भी लग रहा होगा, कल से तबीयत खराब है, खाना नहीं खाए कल से। नहीं लग रहे तुमने? गाना सुनिए पहले, गाना भैया भी गुनगुनाने लगे हैं। अरे वाह, बढ़िया मौसम है यार, एकदम धूप हल्की हल्की पड़ रही है शाम को, और रोड एकदम खाली है। तो ये भैया की कार है, देखिए नई किया करेंस, एकदम जबरदस्त, देखिए किया का लोगो दिख रहा होगा आपको, तो बढ़िया कार है यार, काफी स्पेस है, 7 सीटर गाड़ी है, बढ़िया। तो समय हो चुका है 4:19 शाम के बजे हैं, हम लोग घर से 2 बजे निकले थे जी। आपका भी चेहरा देखिए आ रहा है, आप ड्राइव कर रहे हो ना, इसलिए आपको कम दिखा रहे हैं। तो 4:19 हुए हैं और लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं ससुराल, अभी हम लोग कैलाशपुरी पुल पे पहुंचे हैं। जो लोग हमारा वीडियो देखकर यार कमेंट नहीं करते यार, कमेंट कर दिया करो, भाभी जी डांट दो जरा सबको, कमेंट कर दिया करें, हाँ कमेंट किया करो। तो भैया भाभी ने कहा तो कमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट करके कुछ तो कुछ बताया करो, खराब लगा कैसा लगा अच्छा लगा, तो कमेंट किया करो, हम लोग ध्यान करते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है बाएं जाएंगे, पुल से बाएं, आगे रास्ता ही नहीं है, यहाँ से शुरू होता है कतनिया घाट का जंगल स्टार्ट होता है, ये कतनिया घाट रेंज में आता है। देखिए ये पहला जो बैरियर मिलेगा इसको क्रॉस करके हम लोग उधर जाएंगे, ये जंगल वालों का बैरियर है। देखिए कतनिया घाट वन्य जीव विहार का देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये देखिए इस गेट से फॉरेस्ट जी है। इस गेट से अगर अंदर जाएंगे आप लोग, इस गेट से तो ये कतनिया घाट डायरेक्ट फॉरेस्ट चौकी पर मिलेगी आपको, लेकिन इसमें बंद रहता है। ये है रेलवे क्रॉसिंग, ये है कैलाशपुरी रेलवे क्रॉसिंग,
और यहाँ पे भैया देखिए भरा था पानी, खूब ज्यादा पानी भरा था। जो लोग नहीं वीडियो देखे हैं जाकर देख ले यार, ये दिखाइए इसमें 3.5 क्विंटल की मछलियाँ। अरे इसमें तो बहुत मछलियाँ हैं बता रहे हैं भैया, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन इसको पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा था, पड़ी थी भैया, तो सब लोग देख रहे थे उसको। तो भाभी का इच्छा हुआ कि सिंघाड़ा तोड़ने जाएंगे, तो इनको यही उतार दो ये सिंघाड़ा तोड़ के वापस ले आना आप, बहुत सारे सिंघाड़े तोड़ के। तो ये बता रही है मन कर रहा है सिंघाड़ा तोड़ने का। कभी तोड़े हो भाभी, कभी सिंघाड़ा तोड़े हो? नहीं तोड़े, तब कैसे पता कि सिंघाड़े तोड़े जाते हैं? उसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, कहाँ सिंघाड़े बहुत बड़ा पेड़ होता है भैया, पानी के अंदर होता है। 3-4 किलोमीटर का जंगल है, उसको हम लोग क्रॉस करके अपनी ससुराल पहुंच जाएंगे। लगभग 6-7 किलोमीटर बचा है चवरिया गाँव यहाँ से, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद आज तो हम लोग रेस्ट करेंगे, कल हमारे यहाँ पार्टी है, वहाँ पे भैया के यहाँ मुंडन है, तो वो भी दिखाएंगे। कारीकोट मंदिर जाएंगे हम लोग, कल कारीकोट मंदिर जाएंगे, वहाँ पे मुंडन उंडन करवा के शाम को पार्टी है। उसके बाद परसों सुबह हम जाएंगे कतनिया घाट, और कतनिया घाट में बोटिंग है, जो कुछ भी होता है, जानवर दिखते हैं जो कतनिया घाट में, क्या क्या, एक ट्री हाउस भी है सर उसमें, क्यों ट्री हाउस बने हैं, पेड़ के ऊपर घर बने, वो भी दिखाएंगे। तो आप लोग लगातार हमारी वीडियो बने रहिएगा। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करो और कमेंट जरूर किया करो। भैया देखिए हमको गजराज जी के दर्शन हो गए, हाथी मिल गए हमको कतनिया घाट वाले। तो ये कतनिया घाट रेंज के हैं, ये दो हाथी देखिए। अरे वाह बहुत बढ़िया, ये कतनिया घाट में मिलते हैं, ये यहीं रहते हैं ये? नहीं यहीं जाएंगे कल वहाँ? नहीं वो कतनिया ओपन है ना इस समय, ओपन है। चलो सही है यार, नहीं नहीं कल जाएंगे आज थोड़ी। चलो यार गजराज जी के दर्शन हो गए, चलो भैया। पेड़ पे मिला तेंदुआ, भैया चढ़ गया था इस पेड़ पे, जो सामने वाला जो पेड़ दिख रहा बड़ा वाला, ये यहाँ से यहाँ रोड पे बैठा था जब हम लोग गाड़ी लेके आए, तो चढ़ गया था ऊपर, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए यार, बहुत हम क्या बताएं, बहुत निराश हो गए थे। तो भैया हमको दिन में चांद दिखाया यार, तो हमने सोचा आपको दिखा दें यार, कहाँ गया ये देखो, एक तरफ चांद है एक तरफ सूरज, सूरज और चांद एक साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए रिफ्लेक्शन आ रहा है उधर से सूर्य का, ये चांद दिख रहा है आपको, तो सूरज और चांद साथ में दिख रहे होंगे। देखिए शीशे की रिफ्लेक्शन से आपको सूर्य दिख रहा है, और डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं आपको ये चंद्रमा एक साथ। तो देखिए पेड़ के पीछे सूरज ढल रहा है, शाम के 4:30 बजे है, देखिए सूरज ढलने लगा है यार, 4:30 बजे शाम हो जाएगी का। हल्की हल्की धूप चेहरे पड़ रही है, देखिए सूर्य जो है अस्त तो हो रहे हैं, हल्का हल्का जो है उसका लाइट जो है हम लोग चेहरे पड़ रहा था अभी, तो भाभी लोग जो है पूरा गाना एंजॉय कर रहे हैं यार, करते रहो आप लोग। तो 2 घंटों की मशक्कत के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ससुराल, और यहीं पे हम वीडियो एंड करेंगे कि बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन कल आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी। लगातार चैनल पे बने रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फिर से बोले लाइक कर दो, और हमारे वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।